नमस्कार दोस्तों, मोटी बहू की कहानी। रमेश जी शहर में रहते थे। उनको एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम अनिल और बेटी का नाम लीला था। उम्र होने पर पहले बेटी की और बाद में बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम कविता था। शादी के 2-3 सालों में ही कविता का वजन काफी बढ़ गया था और वह पहले से 2 गुनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से कविता को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसे दिन भर दिन फैलती जा रही है, देखो तो जरा भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा है, यह देखो खा खा कर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर कविता के कानों पर पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख कविता इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननंद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहती। अनिल शरीर से काफी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि कविता मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका कोई दोष नहीं था, बल्कि कविता तो अनिल से भी कम खाना खाती और दिन भर घर के सारे काम करती रहती। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, कविता उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके शरीर के हॉर्मोन्स ही ऐसे थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। अनिल को उसके मोटापे से कोई हरकत नहीं थी। वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ बहन हमेशा इस वजह से कविता को कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी और कविता काफी रोया करती थी। कविता को जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, उसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफी दुख होता है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन कविता की सास ताजी हवा लेने के लिए जब टेरेस पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से वह गिर गई। भाग्य से वह बच गई, लेकिन उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कत होने लगी। बिना किसी सहारे के वह ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोजाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन भी 75 किलो था, जो उनके बेटे अनिल के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। उनको विचार आया कि बहू शरीर से भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता। कविता की सास को कविता के साथ किए हुए अपने बुरे वर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए कविता से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। कविता ने कहा, अरे माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद कविता की सास ने कभी भी उसे उसकी मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि उन लोगों से लड़ जाती थी जो कविता को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। कविता की नंद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी ना कह सकी। खुश मिजाजी कविता अब पहले की तरह ही सब कुछ बुलाकर खुश रहने लगी। दोस्तों, हमारे समाज में हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम है तो नाटा, किसी का रंग काला है तो कालिया, कोई हेल्दी है तो मोटा, किसी के बाल कम है तो टकला।
हमें ऐसी सोच को पूरी तरह खत्म करना होगा और ये समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।